धन गुरुदेव, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। नमो बुद्धाय। हमारे मुख्य मेहमान चंद्रमान जी SDO यहाँ पहुँचे हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके साथ हमारे मेहमान आए धर्मवीर जी, जयी उमेश सिंह जी, वकुलदी भारतीय जी बात करते हैं। और मैं कमेटी से, सरपंच रामूपरा जी से, सरपंच बड़ियाली से धन्यवाद। हमारे यहाँ ने जो सहयोग किया है, गाँव में भी काफी सहयोग किया है। रणवीर जी 100 रुपये, 11 रुपये, ओम प्रकाश रामजी अलावत जी 20 रुपये, संतोष चोपड़ा जी, सुभाष चोपड़ा जी, सुभाष चोपड़ा जी 20 रुपये, 200 रुपये, सत्यवान चोपड़ा जी 11 रुपये, इंदिरा देवी भाई गौ श्री जागे राम जी कैसे उतारेंगे। मैं मास्टर सतवीर रतेरा जी सरपंच संदीप जी से आए और 2 मिनट ग्रामवासियों को और ग्राम के सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सभी को इस आम पर्व पर मैं मेरी तरफ से ग्राम पंचायत रामूपुरा भैया की तरफ से आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको इस आम पर्व पर मैं लख लख बधाइयाँ देता हूँ कि जो बाबा साहब ने आपके गुरु जी ने बताया है, जैसे कि 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा और समस्त गाँव वासियों की तरफ से आए हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं उनकी जो ड्यूटी लगाई गई है, कृपया वो उस पर फोकस करें। और इसके बाद मैं हमारे आज के मुख्य इनका बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, एडवोकेट परमानंद जी। मैं सर से निवेदन भी करूंगा कि टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है तो अपना स्पीच थोड़ा सीमित टाइम में रखें। हमारे आज के आमंत्रित कलाकार भाई एम के भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। भाई का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं हम। भाई एम के भी आदर व मान के योग बनते जी, श्री प्रकाश रंगा जी जो रिटायर्ड सोना रोड पंचायत हमारे साथी, और योगेश कुमार जी हैं तो शाम से, और पवन चौहान जी सेवा केंद्र लांगड़ा पंजाब के कलाकार हैं। इन सब का सम्मान करते हुए माता और बहनों, प्यारे बच्चों की हैसियत और उसकी शिक्षा से, उसके कर्म से, उसके बाहुबल से, उससे काउंट होती है। यहाँ तो जन्म के आधार पर हैसियत बन गई कि ये मजदूर पैदा हो गया, ये राजा पैदा हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, ये वैश्य हो गया। इनके पास धन होगा, इनका हाथ में तलवार होगी और अपना समाज मुफ्त में सेवा करेगा। और ये लिख दिया धर्म ग्रंथों में कि इनके पास धन नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर मिशन को ऊपर उभरने नहीं दिया। आज हर पॉलिटिकल पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो पहले लगाती है। और जैसा कि राजनीतिक परिवर्तन पंजाब में हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में पीछे बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर इस देश के सबसे महान नेता, समाज सुधारक और गरीब की आवाज उठाने वाले थे। ये मेरा अपना गाँव है, कहीं और नहीं। इतनी बड़ी संस्था
बाबा साहब बर्फ पे इकट्ठे हुए हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या बोल सकते। आज आज किस महान व्यक्ति का हम जनतन के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, उनका पूरा नाम भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनकी हिस्ट्री थोड़ा सा बचपन से आज तक इनका जन्मदिन 14/4/1891 को माओ का मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद के सितारा महाराष्ट्र में चले गए और उनके सहयोगी हैं जो हमारे यहाँ पर मूर्ति का अनावरण करेंगे। एक सपना कई साल से हमने देख रखा था कि कभी हमारे गांव के अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित होगी और आज वो सपना हमने अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देखा है। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर हमारे यहाँ राउंड का स्वागत कीजिए। आपके जो उत्साह को देखते हुए ये पूरा गांव बड़ियाड़ी आसपास के गांव गदगद हो गए हैं। जी धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लें। आज का दिन बहुत बहुत खुशी का दिन है गांव बड़ियाड़ी के लिए, इस भिवानी जिले के लिए और पूरे हरियाणा और भारत के लिए कि आपके गांव बड़ियाड़ी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण। निशा बोध जी जी निशा बोध जी, मैं सभी से निवेदन नमस्कार। मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और भाई आज हम पहुंचे हैं बड़ियाड़े में और आप देख सकते हो, मैं कहूँगा सहयोगी से दिखाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन है ग्राम पंचायत बड़ियाड़ी का। और आज बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ इस भवन में बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा का विमोचन हुआ है और हमारे साथ मौजूद है भीम सेना के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बारवासी। सर स्वागत है धाकड़ हरियाणा पर। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर आपका भी और आपके चैनल का भी और आपके दर्शकों का। सर आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है बाबा साहब की जयंती पर, आज बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया गया है, क्या कहना चाहिए? सभी तो
लोग एक दिन बाबा साहब की जयंती मना करके उसके बाद बाबा साहब की शिक्षाओं को भूल जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए अच्छा पानी मिलता है ना, तो बाबा साहब जयंती बाबा साहब ने हमें निशान बनाया। क्या कहना चाहेंगे सर? लोग बाबा साहब की जयंती को बाबा साहब को याद करते हैं, लेकिन उसके बाद बाबा साहब की शिक्षाओं को भूल जाते हैं और उन्हीं आप अपना पूरा जीवन फिर पूरा साल भर विषयों में लगा देते हैं। नहीं, हम भूलने नहीं देंगे। हम गांव-गांव जाकर बाबा साहब के विचारों को प्रकाश की तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह फैलाने का काम करेंगे। हम भीम सैनिक हैं, अखिल भारतीय भीम सेना के जिला प्रमुख होने के नाते हम बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। 500 रुपये धर्मपाल, छोटी बच्ची आई थी जी, सीवन चौहान। गांव के काम के लिए जब भी आप कोई रुपये लगाएंगे तो हम आधी रात को क्या हैं, आपके बच्चे हैं, आपका योगदान चाहिए, आपका योगदान चाहिए। इस गांव के जो भी प्रोग्राम है उनको कामयाब करो, उनको आगे बढ़ाओ। जो हमारे बच्चे काम करे, जो समिति काम करी है, उनका योगदान। जय भारत, जय भीम। बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन कुछ धन्यवाद SDO साहब, आप हम तो यही कहेंगे, आप अपने बच्चों पे, अपने बुजुर्गों को मतलब यही संदेश देते हैं, बच्चों पे आशीर्वाद रखते। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमान जी SDO। बाबा अम्बेडकर की जाति विशेष की या धर्म विशेष की नहीं थी, उन्होंने जो सर्व समाज की सरपंच महोदय और आज जो सुखी सांस हम ले रहे हैं वो बाबा अम्बेडकर की बदौलत से ले रहे हैं, और ये बरियारी गांव में जो आप खुशी देख रहे हैं और रामपुर के सरपंच प्रतिनिधि यहाँ बार बार संदीप तवर जी प्रकाश है यहाँ सही मायने नजर आया। और आज ये प्रतिमा जो लग रही है, ये जो जो 1.25 एकड़ के करीब जो जमीन के ऊपर ये बाबा अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगी है, इसके पीछे भी जो अड़ोस पड़ोस के लोग और हमारे मुख्य अतिथि चंद्रमान SDO को सुमित रेड्डी की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। मैं भाई से अनुग्रह करूंगा, कृपया स्टेज पर आए और हमारे मुख्य अतिथि चंद्रमान SDO को सम्मानित करें। और इसके बाद बहुत ही अच्छा नाटक है जो कि हमारी जलंधर से टीम आई हुई है, प्रगति कला केंद्र से आपको नाटक दिखाएगी, बहुत ही अच्छा। हम मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे बड़ी गाँव में है और ये प्रतिमा लगने के पीछे कई लोग कहते हैं कि भी प्रतिमा लगी से क्या हुआ, एक चेतना मिलती है, एक गरीब आदमी, एक जो जिसके अंदर ताकत नहीं है वो एहसास करे इस प्रतिमा को देख करके, चेतना आए उसमें, इनकी जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी उसके प्रति जो ये महसूस करेगी, इस व्यक्ति ने गरीबी से उठ करके और बहुत सारे गरीबों का, महिलाओं का, पीड़ितों। मैं हमारे यहाँ पधारी नाटक मंडली से अनुरोध करूँगा कि कृपया अपना सेटअप जल्दी करें। सबसे पहले जो मास्टर सतबीर तेरिया जी, उन्होंने 2100 रुपया हमारे टीम को जो है अनाम दिया है, सम्मान दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और सारी जो टीम जो जो प्रबंधक कमेटी है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लो दूसरी पेशकारी कोरियोग्राफी, मेरिया बेटिया भैणा मातावान नाल संबंधित, मेरा नाम आना स्कूल जो कटाया मिये, मैं नाम रोशन करूंगी पूरे घर दे पढ़ाई वाले चा मिये, मैं नाम रोशन करूंगी। आओ नमस्कार, मैं वेद प्रकाश, धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं बड़ियाली में और आप पीछे देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन है, उस अम्बेडकर भवन प्रांगण में आज बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सर हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रमान रेड्डी जी SDO हैं, सर स्वागत है धाकड़ हरियाणा। धन्यवाद जी, धन्यवाद आप। सर कैसा महसूस करते हैं बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा का, आप लोगों ने अनावरण किया? मैं इस गाँव का रहने वाला हूँ, इस गाँव के अंदर
पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है और बाबा साहब की मूर्ति की जो स्थापना हुई है उसके लिए मैं आप लोगों का, पत्रकारों का, गाँव वालों का और जो कमेटी गाँव की बनी हुई है जिसने बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए इतना योगदान किया उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और आप पत्रकारों ने रात के टाइम भी इतना अपना समय निकाल करके इतनी मजबूरियों के अंदर भी यहाँ आए हैं, आपका लिया आपका भी मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तथा आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि जब कभी भी कोई भी ऐसा भी हमारे गांव के अंदर सोशल कार्य या कोई सामाजिक कार्य होता है तो आप लोग समय देंगे तो हम आपके लिए उसका बहुत बहुत आभारी होंगे। सर आज बाबा साहब की जयंती है, क्या संदेश? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे गांव के अंदर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हुई है इसी तरह से आसपास के गांव के लोग भी और दूसरे समाज के लोग भी ऐसे कार्यों के अंदर बढ़ चढ़ कर कार्य करें और जगह जगह पर अपने गांव के अंदर अपने स्थानों के अंदर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना करें और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसके विचारों को आगे बढ़ाते हुए उनका पालन करें और विशेष रूप से अपने बच्चों की शिक्षा का विषय तौर पर ध्यान रखें। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया, सर्व समाज की महिलाओं का योगदान उत्थान के लिए काम किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये चीज बनती है कि वो लोग बाबा साहब को मानते नहीं ना उनकी शिक्षा को मानते हैं। ऐसा करके उस टाइम जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो संविधान लिखा था बाबा साहब ने वो संविधान हमारे पूरे भारत के अंदर लागू है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग के अंदर ये बात आ जाती है कई बार एक आदमी ने लिख दिया पता नहीं क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, लेकिन जो आज के लोग शिक्षित हैं जो पढ़े लिखे हैं जो नौजवान हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं कि बाबा साहब ने जो किया था वो हमारे जीवन के लिए हमारे उसके उद्धार के लिए बहुत बड़ा किया था और उसका जो पालन कर रहे हैं जिन बच्चों ने जिन उन लोगों ने उनका जो पालन किया है उनको इस बात का उद्देश्य मिल गया उनको उनका वो भी किया। एक आदमी कि बाबा साहब के विचारों के बाबा साहब के उसके हिसाब से मैं पढ़ लिख करके इस पोस्ट तक पहुँचा हूँ, बाबा साहब ने जो रेजुलेशन दिवाई थी जो नीतियाँ लागू की थी उनकी वजह से मैं भी आज इस पोस्ट तक पहुँचा हूँ और दूसरे लोग भी जो बाबा साहब के संविधान के लिखे के अनुसार रिजर्वेशन में जो प्रमोशन के अंदर जो पॉलिसियाँ लागू हुई है वो सारी बाबा साहब की वजह से ही लागू हुई। कुलदीप आदि स्वागत है ताकत है मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आज बाबा साहब की जयंती से क्या संदेश देना चाहते हैं? सेवा साथियों मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा साथियों को मातृशक्ति को संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो मिशन है उसमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, आप अपने समाज की महिलाओं को देखो जो महिलाएं बुजुर्ग हो चुकी हैं उनको तो हम नहीं पढ़ा सकते लेकिन अपनी बहन बेटियों को आप जरूर पढ़ाएं, उनको कॉलेज में दाखिला दिलाएं, उनको यूजी करवाएं पीजी करवाएं। आप ये मत देखिए कि गांव है, गांव से हमारी जो बहनें हैं वो कैसे शहर में जाएगी, आजकल है ना सब फैसिलिटीज है। आप बाबा साहब ने कहा था कि एक रुपये टाइम के आप खाना भले ही अब मत खाना आप एक टाइम का खाना, लेकिन अपने समाज को आप जरूर एजुकेटेड करना, अपने बच्चों को आप जरूर पढ़ाना और एकता क्या तो बाबा साहब ने संदेश दिया है शिक्षित बनो संघर्ष करो। और जो बाबा साहब का जरूरी है मैं युवा साथियों से अनुरोध करूँगा कि वहाँ जाने में हम कितने परसेंट पीछे हैं उसको इसके लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा और इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन पढ़ने के लिए गई है तो मैं नहीं मानता कि हमारे लिए समस्या नहीं है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल सच्चे दिल और दिमाग से मेहनत और काम करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। वर्तमान में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इतना बर्बाद तहस नहस कर देगी। अगर हम अंग्रेजी में, अगर हम गणित में, अगर हम इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, मैनेजमेंट में, उन जैसे सब्जेक्ट में मजबूत नहीं हो पाए। अगर आपके बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो 1 करोड़ रुपए फीस आ चुकी है, 4.5 से लेकर 5 साल एमबीबीएस का कोर्स का समय है, 1 करोड़ रुपए जा चुकी है। लेकिन आपके लिए क्या योजना, क्या क्या तरीके हैं, क्या योजनाएं हैं? आपके लिए स्कॉलरशिप है, रिजर्वेशन है, कुछ ऐसे भी संस्थान है जहां अगर आपके बच्चे टॉप करते हैं तो वहां हमारी फीसें 20,000, 25,000, 30,000 तक की है। तो उनके लिए आपके छात्र संगठन, आपके छात्र नेता, आपके छात्र कार्यकर्ता आपके बीच में है, उनका लाभ लीजिए। बाबा साहब का जो सपना है या जो ज्योतिबा फुले का सपना, तमाम महापुरुषों का मिशन पे टू सोसाइटी, तो उनके लिए अपने बच्चों को सिर्फ जय भीम का नारा मत दीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ पोर्ट्रेट स्टैचू की पॉलिटिक्स मत दीजिए, उनको एजुकेशन के लिए उनके जो कुछ जो अच्छे बेहतरीन संस्थान है उनमें जाने के लिए तैयारी कीजिए। और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में मैं बहुत गया हूँ, लेकिन जो हमारा जो असल जो उद्देश्य है उससे हम दूर होते हैं। तो आपके यहाँ समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। तो दोस्तों मैं गुरु चंद्रेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में हूँ, आपके किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी समस्या है
मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपके लिए आपके बीच में हाजिर होऊंगा। उसके बाद अगर भारत के बाहर कोई भी बच्चा हमारा कुछ जो स्कॉलरशिप का लाभ लेकर जाना चाहता है, उसको किसी प्रकार की मदद चाहिए, हम आपके बीच में हैं, आप हमें याद कीजिए। जय भीम, जय भारत, माननीय साहब कांशीराम जी अमर है। दो बहुत ही छोटे बच्चे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग दिया है, हर्ष और मोनी सिंगल। एक बच्चा किसी काम से बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में, तो हर्ष यहाँ पे उपस्थित है। हमारे अमरजीत जी पीएचडी स्कॉलर, इनको बैग देकर सम्मानित कर रहे हैं भाई। बहुत मेहनत की है इस बच्चे ने इस प्रोग्राम को करवाने के लिए। ये दो बच्चे थे, एक का बैग है, रख लेते हैं, जब भी वो आएगा उनको मिल जाएगा। वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। माननीय सरपंच साहब अमरजीत जी को धन्यवाद। देखिए आज